तो है गाइस, आज हम करने वाले हैं इस फोटो को एडिटिंग। तो आज हम इसका बैकग्राउंड इरेज करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि स्नैपसीड से आप बैकग्राउंड को कैसे इरेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो मतलब बैकग्राउंड को। अगर गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, व्लॉग वीडियो चाहिए या फोटो एडिटिंग वीडियो चाहिए, तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इरेज करते हैं मतलब बैकग्राउंड। तो मैं बताता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड लगाएंगे हम, ये डॉलर वाला है बैकग्राउंड, तो इसको लगाएंगे। और ये फ़ोटो है हमारी, तो इस फ़ोटो के पीछे लगाएंगे हम बैकग्राउंड को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हम स्नैपसीड से करेंगे इस फ़ोटो को एडिट। तो देखते हैं कि कैसी होती है, और आप वीडियो में बने रहना, और वीडियो पूरी ज़रूर देखना यार गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोटो ले लेते हैं हम स्नैपसीड के अंदर। तो हमारा स्नैपसीड ये रहा, तो हमने स्नैपसीड में ये फ़ोटो ले ली। ये पेंसिल वाले आइकन पे गए, ये नीचे इसमें इस ऑप्शन में जाके हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं हमने कौन सी फ़ोटो लगानी है हमारे को बैकग्राउंड में। तो यहाँ से गैलरी में जाएंगे, फिर नीचे नीचे हमारी ये फ़ोटो, तो ये अपलोड हो रही है गाइस। तो गाइस ये हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो हम इसकी ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं और राइट कर देते हैं। इसमें जाके व्यूज़ एडिट्स में जाके, टूल्स में जाके, इसमें पेंसिल वाले आइकन में जाके ये आ चुका है। तो हम यहाँ से ही करेंगे हमारे बैकग्राउंड को इरेज। तो हम इसको सोते रखते हैं, और इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे मारना है पूरे। बहुत ध्यान से मारना है गाइस इसको, फुल जूम हो जाता है स्नैपसीड के अंदर, ये देख सकते हो। तो ऐसे पास में ले ले जाकर, तो गाइस मैं जल्दी जल्दी मार लेता हूँ वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। मैं जल्दी जल्दी बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ गाइस। अगर गाइस आपके कहीं कपड़ों पे या किसी और जगह लग जाई है, तो आप इसको फुल कम करके मुझे इसको हटा भी सकते हो ऐसे, और वापस से फुल करके वापस मारने लग जाना। तो इससे फुल एचडी में मतलब बैकग्राउंड इरेज होता है गाइस। यार गाइस ये वीडियो बड़ी ना हो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी स्मूथ मार रहा हूँ, आप भी ऐसे मान लेना आराम से कर सकते हो। आप बैकग्राउंड पे ऐसे मतलब लाल लग जाए तो इसको ब्राइटनेस कम करके फिर इसको हाँ से हटा लेना, वापस से फुल करके ऐसे मार देना। तो स्नैपसीड से बहुत ही अच्छी एचडी में फ़ोटो बैकग्राउंड इरेज होता है, इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ। और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने की कोशिश करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं इरेज कर लेता हूँ फटाफट, फिर आपको एंड में मिलता हूँ गाइस।
कैसी आ रही है, हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है ये देखो, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, तो आप आराम से करना तो और भी अच्छा होगा। तो मेरे को कमेंट बता देना गाइस, फिर इसको सेव कर लेंगे हम। तो गाइस कमेंट बता देना मेरे को कि आपको कैसा लगा ये बैकग्राउंड इरेज वीडियो। अगर आपको और भी अच्छे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको, मतलब इस वीडियो के ऊपर मेरे को गाइस कम से कम 5K व्यूज़ चाहिए और 1K लाइक्स, जब मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो बनाऊँगा। इस वजह से आप मेरे को इस वीडियो के ऊपर मेरे को 1K लाइक चाहिए गाइस, तो यार सपोर्ट करो, तो मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करता रहूँगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो आज की यही थी हमारी वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट बता देना कि आपको कैसी लगी है वीडियो बैकग्राउंड इरेज, और भी लेकर आता रहूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट। तो अगर चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सपोर्ट करो यार गाइस प्लीज़। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।